मेहनत करने से तब तक ही डर लगता है जब तक उसकी आदत ना पड़ जाए। एक बार इस डायन से इश्क हो जाए तो पूरी दुनिया हमारे कदमों में लाके रख देगी। कईयों को लगता है कि हार्डवर्क कुछ एक्स्ट्रा करके करना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, उनको टीचर बोलता है कि बेटा ये वाला पैराग्राफ पढ़ो और उसको आता नहीं पढ़ना, तो वो मेहनत के नाम पे अजीबोगरीब एक्स्ट्रा आवाजें निकालने लग जाता है। जैसे ताकि टीचर को लगे कि भाई लौंडा कोशिश तो कर रहा है। और एक और बच्चा है जो सीधा सीधा पूरे पैराग्राफ को आराम से मक्खन की तरह पढ़ता हुआ चला जाता है। क्या उसे मेहनत बोलेंगे? नहीं, हम बच्चा मेहनती है वो अलग बात है, लेकिन पैराग्राफ सीधा सीधा पढ़ जाना मेहनत का काम नहीं है। मेहनत पहले अकेले में बैठकर उस बच्चे ने करी है, स्कूल में, घर में, आते जाते कहीं पर भी। लेकिन उसने जो क्लास में अभी किया वो सिर्फ काबिले तारीफ है। अब हुसैन बोल्ट है, मो फारा है, कोई भी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन आर्नोल्ड, कोई कलाकार, संगीतकार, ये ग्राउंड में, स्टेज पे उसी टाइम थोड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत हमेशा बैकग्राउंड में होती है। 10 सेकंड की रेस, उसमें गोल्ड मेडल, और उसके पीछे कुछ 24 से 36 महीनों की लगातार रिगरस प्रैक्टिस। मेहनत, हार्डवर्क इसको बोलते हैं। शोरूम में रखा हुआ जूता चुटकी में बिक जाता है, क्योंकि उसको डिजाइन करने में, उसको बनाने में बहुत कड़ी मेहनत और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो इन शॉर्ट, बाय दिस एनालॉजी, वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। अगर हमें कुछ लाजवाब करना है तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क बैकग्राउंड में करना पड़ेगा। शरीर हो या दिमाग, दोनों को छेनी और हथौड़े से डेली ही नकाशित करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसे अगर हम निखर के बाहर आना चाहते हैं तो थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी चोट को तो सहना ही पड़ेगा। जैसे एक मूर्तिकार पूरे एक पत्थर को तोड़ तोड़ के एक मूर्ति बनाता है, ठीक वैसे ही हमें अपने अनवांटेड फैट को, अपनी अनवांटेड सोच को तोड़ तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। मैथ सिंपल है, एक दिन का रेस्ट हमें एक हफ्ते पीछे ले जाएगा। डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। कंपनसेशन ऑफ द टाइम लॉस्ट हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, बाद में कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, या एक बार चढ़ो तो साला चढ़ते 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 ही चले जाओ।